तामझाम है जिंदगी का जो बढ़ चुका है, बाप रे कैसा लग रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल मैं हूँ एक ओपन प्लेस में और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर आराम से हो सकती है, ज़्यादा पब्लिक कोई है भी नहीं, तो इस वजह से मैंने मास्क उतार दिया। और आज मैं आया हूँ कराई के बालाजी, और फॉर्चुनेटली सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम लोग रास्ते में निकले थे और रास्ते में बारिश हो गई और एकदम मस्त मौसम हो गया, जोरदार बारिश एकदम मस्त हो गई। रास्ते में हम लोग को रुकना भी पड़ा थोड़ी देर। अभी मैं हूँ दादाबाड़ी एरिया में, यहाँ पे है कराई के बालाजी, और मैं आशा करता हूँ कि जो जिस मंदिर हम लोग जा रहे हैं कराई के बालाजी वो खुला हो। बंद है अक्षित, वो पहले पहुँच गया, वो ब्लॉक कर रहा है, मंदिर बंद है। बाकी नहीं तो यदि मंदिर खुला होता तो मैं आपको एक नंबर जगह है ये, मैं आप लोग को दिखाता। मतलब हनुमान जी का मंदिर है और एकदम नीचे पहाड़ में, पहाड़ के अंदर है हनुमान जी का मंदिर। तो एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने चैनल में खम्मा गणी फ्रॉम राजस्थान। तो अब देखो जो मंदिर था वो तो बंद है हनुमान जी का, बट खाली हाथ तो जाएंगे नहीं अपन यहाँ से, तो अभी हम लोग जाएंगे उधर की साइड। सामने जो गली है वहाँ पे उस जगह को बोलते हैं रॉक्स। भाई कितना गंदा पानी है। गाड़ी लेकर आते तो ज़्यादा सही रहता, हालांकि पूरा बारिश अभी अभी हुई ना, तो बारिश की वजह से पूरा गंदा हो रहा है। चलो यहाँ पे पानी है तो अपन पाँव साफ कर लेंगे, पाँव साफ हो गए, चलो आगे। पूरी जगह बहुत गंदी हो रही है। इतनी अच्छी अच्छी जगह है ये सब, और मतलब आगे जो सीन है वो जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा वो एक नंबर जगह है, और उस जगह जाने के लिए इतनी गंदगी में से होके निकलना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, तो ये वही हाल है। अब देखो आप इस जगह की ब्यूटी, ऊपर आसमान देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या मस्त मौसम हो रहा है सब पूरा, और चंबल का जो फ्लो है एकदम मस्त हो रहा है, और सामने ही जो है ये अपना थर्मल पावर प्लांट। इस जगह का आलम और इस जगह का फील एक नंबर है और एकदम अलग है। और जो लोग भी यदि मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो उन लोग से मेरी स्पेशली गुजारिश है कि यदि आप लोग भी कभी इधर आते हैं तो प्लीज़ कीप दिस एरिया क्लीन, जितना हो सके आप साफ सफाई रखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है। पंद्रह से बीस मिनट से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा व्लॉग करने का ज़रा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने पहली बात तो मुंबई से आने के बाद इतने दिनों बाद मैं बाहर निकला हूँ, और शांति से इस जगह पे इतनी शांति मिल रही है बैठ के कि पूछो मत। हेलो, एकदम ही शांत और पीसफुल जगह है बहुत। अक्षित ने पूरा रिकॉर्ड कर भी लिया मेरे ख्याल से, तो पूरा व्लॉग बना के भी बैठा होगा। बना लिया तूने? कर रहा है वो, मेरे से ज़्यादा रिकॉर्ड कर चुका आराम से वो, पर मेरा मन नहीं कर रहा अभी कुछ करने का, बस बैठो यहाँ पे। अभी कुछ भाई लोग हैं यहाँ पे, सब फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं लोग, तो काफी अच्छी जगह। धीरे धीरे करके बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम लोग आए थे तब तो तेज बारिश थी, पर अब देखो मतलब जिन भी जगहों पे मैं जैसे अभी गुजरात गया, सब जगह गया, तो मेरे को हर जगह यही चीज लगी कि जितनी भी अच्छी अच्छी जगह है उन सब जगहों को हम, मेरे और आपके जैसे लोगों ने बर्बाद कर रखा है। ये देखो कचरा, इतनी प्यारी इतनी सुंदर जगह है और कचरा। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो थर्मल पावर प्लांट कोटा का, और अक्षित मेरे को बता रहा है कि थोड़े समय बाद बंद होने वाला है। ये है चंबल नदी, सबसे बड़ी बात तो, और ये सिंगाड़े वगैरह जो आते हैं ये सिंगाड़े के वो हैं कुछ तो, पर गंदगी मत फैलाओ यार, गंदगी मत फैलाओ प्लीज़। इतनी सुंदर इतनी अच्छी जगहों को आप बर्बाद कर रहे हो, वो बहुत गलत बात है। ऊपर जाके देखता हूँ, पहले हम लोग जब स्कूल से बंक मार के आया करते थे तब हम लोग ऊपर जाके बैठा करते थे, आज मैं जाता हूँ ऊपर।
इधर ऊपर चढ़ेंगे। अक्षित भी आ गया ऊपर, सही है। तो देखिए, चंबल नदी के बारे में मैंने एक बात सुनी है, इस चंबल नदी में 99 नदियां हैं, 99 नदियां, और जो एक नदी नहीं है वो गंगा नदी। अब डोंट कोट मी ऑन दिस थिंग, ये सुनी सुनाई चीज़ है, आई डोंट नो ये कितना सच है और कितना झूठ है, बट जो मैंने सुना है वो आप लोग को बता रहा हूँ। मुझे एक बार उधर जाना है लाइफ, कोटा थर्मल पावर प्लांट। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आके आपको काफ़ी शांति मिलती है और कुछ बोलने का कुछ करने का मन नहीं करता। तो मेरा वही हाल हो रहा है अभी, आज पता नहीं व्लॉग कैसा रहेगा कैसा नहीं, देखते हो, बात की बात है। बाकी आप लोग बारिश के टाइम पे रॉक्स ज़रूर आइए। तो एक बात है, हमेशा मैं आप लोग को कहता हूँ कि शौक बड़ी चीज़ है, जो शौक आपको है वो ज़रूर करिए। अभी जितने भी भाई लोग इधर हैं, जो कैमरा है वो रेंट आउट करके और फोटोशूट करने आए हैं यहाँ पर खुद का, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग का भी जो शौक है उसी चीज़ में आगे बढ़ो, वही चीज़ करो। देखो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे बैठे और पूरा वहाँ पे पीछे थर्मल पावर प्लांट है, सब मस्त। देखो यारी दोस्ती होती रहनी चाहिए, आप कहीं पर भी जाओ दोस्त बनाओ, क्योंकि ज़्यादा एंट में रहने का कुछ मतलब नहीं है, है ना। अक्षित उधर बैठा है, सब्सक्राइब करवा रहा है अपना चैनल, आप लोग भी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ये भाई लोग हैं, इन लोग ने भी सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच ब्रो। दो लास्ट व्लॉग से मैं अपनी सोशल अवेयरनेस फैला रहा हूँ, हर व्लॉग में आप लोग को सैनिटाइजर लगाते हुए दिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी लगाओ। इधर उधर कहीं भी जाना आना, कहीं भी इधर उधर टच करो तो सैनिटाइजर ज़रूर साथ रखो। बट सैनिटाइज़र इतना भी ज़्यादा हानिकारक है, मतलब हर समय सैनिटाइज़र यूज़ करना वो भी गलत आदत है, क्योंकि अल्कोहल होता है, स्किन में अल्कोहल जाएगा तो वो भी सही चीज़ नहीं है। तो चलो, ये था आज का व्लॉग, शांतिपूर्ण और एकदम अच्छा शांत वाला व्लॉग। बारिश हो गई फॉर्चुनेटली, सबसे अच्छी बात हुई, और मौसम व्लॉग करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ चाहिए रही थी, मौसम और लाइटिंग। मौसम अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ तोड़फोड़ करते हैं और कहीं अच्छी जगह जाते हैं, क्योंकि आज जो प्लान लेकर आए थे वो हो नहीं पाया, दूसरी जगह का व्लॉग बनाना पड़ा। बट मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोस से मैं बोल नहीं रहा हूँ तो शायद आप लोग कर भी नहीं रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रान फॉर वॉचिंग।